Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Pallavi. I hope you all are doing great. So आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली फॉर अ बिगनर, क्योंकि मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने आईब्रो एंड अपने फेस के अनवांटेड हेयर को कैसे रिमूव करती हूँ. सो अभी मैं बाहर जाती नहीं हूँ, मैं पार्लर वार्लर नहीं जाती हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों को पता ही कि अभी कोरोना का टाइम है, कहीं कहीं पे लॉकडाउन भी है, कहीं कहीं पे लॉकडाउन खुल चुका है, बट फिर भी अभी कोरोना में बाहर पार्लर वार्लर जाके थ्रेडिंग वगैरह करवाना, अपने फेशियल हेयर को रिमूव करवाना इज नॉट अ सेफ. सो हमें घर पर ही अपने स्किन को पैम्परिंग करना है एंड हमारे जो थ्रेडिंग वगैरह वो हमें घर पर ही करना है, बट हमें थ्रेडिंग तो आती नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं. तो अगर आपको जानना है मैं अपने फेशियल हेयर एंड अपने आईब्रो को कैसे सेट करती हूँ, अपने फेशियल को कैसे रिमूव करती हूँ, सो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें. एंड अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन. सो या विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड. आईब्रो को सेव दें एंड आपके जो फेशियल हेयर है आप घर पे ही उन्हें रिमूव कर सकते हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी बाहर जाने की. तो मैं भी नहीं जाती हूँ अभी बाहर, मैं घर पे ही करती हूँ. तो मैंने किया हुआ था तो अभी हो गए हैं 10-12 दिन, तो आप देख सकते हो मेरे आईब्रो की अच्छी खासी ग्रोथ आ रखी है, आपको दिख रहा हो या बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आ रखी है. एंड यहाँ पर फेशियल हेयर भी बहुत सारे आ रखे हैं, आपको दिखेगा नहीं. एंड सबसे ज़्यादा जो विजिबल होते हैं वो इस साइड के जो अपर लिप्स के जो हेयर होते हैं ना, यहाँ पे वो ज़्यादा विजिबल होते हैं, तो वो बहुत गंदा लगता है. पता ही है मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ, तो जब फेशियल हेयर आप रिमूव करते हो ना, उसके बाद जब आप मेकअप करते हो तो आपका जो बेस है, आपका जो स्किन है, वो बहुत ही फ्लॉलेस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. अगर आपको नीड है तभी आप 1 वीक में करें, वरना या तो आप 15 डेज पर करें या तो आप मंथ में एक बार कर लें जब भी आपको नीड है तो. या फिर अगर आप किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो और आपको थोड़ा अच्छा दिखना है, आपको अपना स्किन थोड़ा अच्छा दिखाना है, फ्रेश दिखाना है, तो आप भी कर सकते हो. ये बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ही आपके आपको आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते हैं, और बहुत ही ईजीली आपके फेशियल हेयर रिमूव भी हो जाते हैं. मैं यहाँ यूज़ की रेज़र, आप देख सकते हो फेशियल रेज़र मैं यूज़ करने जा रही हूँ. एंड ये मुझे 3 पैक में मिला था, 1, 2 एंड 3. तो ये मैंने मंगाया था अमेजोन से. अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लें. देख सकते हो ये मुझे 3 पैक में मिला था. तो मैं यूज़ करूँगी ये येलो वन. या तो आपको ये यूज़ करने से पहले अपनी स्किन को, अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर देना है. तो मैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए मैंने लिया था ये फेस वॉश, जो कि है टोटल फेस क्लीन अप. इससे आपका वो फेस वॉश भी हो जाता है, स्क्रब भी हो जाता है, पैक ऑयल रिमूव भी हो जाता है, स्पॉट रिड्यूस भी हो जाता है. तो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है, बट मेरी स्किन ड्राई है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये ले लिया था और मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकती थी. तो देख सकते हो मैंने इतना से लिया है एंड मैं इसे अच्छे से अपने स्किन पर अप्लाई कर दूँगी. तो मैं अच्छे से स्क्रबिंग मोशन में इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जितने भी डॉट है मेरे स्किन पे वो अच्छे से निकल जाएं. तो अब हम इसे वॉश कर लेंगे. देन अब हम अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, जिसके लिए आप सीरम भी ले सकते हो, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, एंड हाँ आप मिल्क भी ले सकते हो, मिल्क से भी आप अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हो. सो मैंने यहाँ गुड वाइब्स का ये सीरम लिया है एंड इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ एंड अच्छे से अपने स्किन में इसे ऑब्जर्व होने दूँगी. देन मैंने यहाँ पे लिया ये फेस रेजर. सो इसके साथ ये कैप आता है, तो मैं इसे कैप को हटा दूँगी एंड इसका जो ये ब्लेड है ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो. तो ये ज़्यादा शार्प भी नहीं है, तो आपकी स्किन इससे हार्म नहीं हो सकती है. तो जिस भी जगह की हेयर आपको रिमूव करने हैं उसकी स्किन को हल्का सा आपको खींचना है, ताकि वो स्किन टाइट हो जाए और आपको अपनी रेज़र को इस्तेमाल करने में आसानी हो. एंड डाउनवर्ड मोशन में आपको अपने रेज़र को इस्तेमाल करना है, आप देख सकते हो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रही हूँ. सो यहाँ मैं कर रही हूँ, आप देख रहे हो डॉट स्किन निकल रही है. देन मैं अपने फोरहेड के भी हेयर को रिमूव करूँगी.
एंड आपको आपकी हेयर ग्रोथ जिस भी डायरेक्शन में है उस सेम डायरेक्शन में आपको अपना फेस रेजर इस्तेमाल करना है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी रूखी सी हो जाएगी, ड्राई सी हो जाएगी एंड आपके जो हेयर है वो भी थोड़े से जो हैं वो बहुत ही कड़े कड़े से होंगे, तो वो अच्छा नहीं रहेगा आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। तो देन मैंने यहाँ पे माल्याओं का ये आईब्रो पैलेट लिया, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ के हेयर रिमूव करने हैं एंड कितने हेयर रिमूव करने हैं। सो मेरे जो एक्चुअल आईब्रो के हेयर है वो इसमें नहीं आ पाएंगे, सो इसे बहुत ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। सो आप भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से अपने आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर्स है जो मुझे हटाने हैं, कैन सी। सो मैं अब धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे रिमूव कर रही हूँ, आप देख रहे हो। एंड ये आईज़ के पास के एरियाज है, तो आपको बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है रेज़र को, बहुत ही लाइट हैंड से, आप देख सकते हो। एंड ये बहुत अच्छे से आपके हेयर को रिमूव करता है गाइस, ट्रस्ट में, बहुत ही अच्छे से आपके छोटे छोटे हेयर को ये बहुत आसानी से हटा देता है, आपको बहुत ही आसान तरीका है ये। अगर आप घर में हो, आपको ऐसा कुछ करना है चाहिए तो ये बहुत ही आसान तरीका है एंड टाइम भी बहुत कम लगते हैं, सबसे अच्छी बात इसकी यही है। तो मैं अपने ऊपर के डायरेक्शन में जो हेयर है उसे भी रिमूव कर ले रही हूँ अच्छे से, आप देख सकते हो। तो या देन मैं यहाँ अपने अपर लिप्स के हेयर को कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ अपनी टंग की हेल्प से अपने साइड के लिप्स के एरियाज़ को टाइट किया है ताकि मुझे थोड़े कन्वीनियंट हो जाएं, आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ के भी हेयर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये अच्छे से हो गया, अब मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी, आप देख सकते हो ताल की हेल्प से। देन मैंने यहाँ लिया है गुड वाइब्स का ये कोकोनट क्रीम, तो इसे मैं एज अ मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे अप्लाई करूंगी एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे डेली बेसिस पे भी यूज करती हूँ अपने डेली रूटीन में, तो इसकी स्मेल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो इसे मैं बहुत ही अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो या डन, मेरा सारा जो भी एक्स्ट्रा था अनवांटेड प्रोसीजर के, मेरे जो आईब्रो की ग्रोथ की, वो सारी अच्छे से क्लीन हो चुकी है एंड या आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, आपको अच्छा लगा हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए एंड बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ को आपके पास जाता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।